ମୋର କହିବା କଥା ଆପଣ ତ ଶୁଣିଥିବେ, ମୂଳ ଜିନିଷ ହେଲା ୱାର୍କରମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଯେଉଁ ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ସ ଅଛି, ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ରାଇଟ୍ଟା ଅଛି, ରାଇଟ୍ ଟୁ ୱାର୍କ, ରାଇଟ୍ ଟୁ ଇକ୍ୱାଲ ପେ, ରାଇଟ୍ ଟୁ ଦେୟାର ହେଲ୍ଥ, ରାଇଟ୍ ଟୁ ସେଫ୍ଟି, ଦ୍ୟାଟ୍ ସୁଡ୍ ବି ସେଫ୍ ଗାର୍ଡେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଦେ ସୁଡ୍ ନୋ ହ୍ୱାଟ୍ ଦେୟାର ରାଇଟ୍ ଇଜ୍ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦେ କ୍ୟାନ୍ କ୍ଲେମ୍ ଇଟ୍, ଦେ କ୍ୟାନ୍ ରେଜ୍ ଦେୟାର ଭଏସ୍, ଦେ କ୍ୟାନ୍ ସ୍ପିକ୍ ଫର ଦେମ୍ସେଲ୍ଭସ୍ ଇଫ୍ ଦେର୍ ଦି ହେଲ୍ଥ କଣ୍ଡିସନ୍, ଇଫ୍ ଦେର୍ ଦି ୱାର୍କିଂ କଣ୍ଡିସନ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଗୁଡ୍, ଇଫ୍ ଦି ହେଲ୍ଥ ସେଫ୍ଟି ଇଜ୍ ନଟ୍ ଗୁଡ୍, ସେଫ୍ଟି ମେଜର୍ସ ଆର୍ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ଡ, ଦେ କ୍ୟାନ୍ ସେଭ୍ ଦେମ୍ସେଲ୍ଭସ୍. ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ମେସେଜ୍ ଟୁ ଦି ଲେବର ୱାର୍କର୍ସ ଆଣ୍ଡ ମେସେଜ୍ ଟୁ ଦି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ମଷ୍ଟ ବି ସଷ୍ଟେନେବୁଲ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦି ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ୱିଲ୍ ଗ୍ରୋ ଆଣ୍ଡ ଦି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ୱିଲ୍ ଗ୍ରୋ ଆଣ୍ଡ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ୱିଲ୍ ଗୋ ଟୁଗେଦର ଇଫ୍ ବେସିକ୍ ରାଇଟ୍ସ ଅଫ୍ ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ ବେସିକ୍ ରାଇଟ୍ସ ଅଫ୍ ହ୍ୟୁମାନ ଆର୍ ଗିଭେନ୍ ପ୍ରପର୍ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ସୋ ଏ ଡିଗ୍ନିଫାଇଡ୍ ୱାର୍କ ଫୋର୍ସ ଏ ୱେଲ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ଡ ଗଭର୍ନାନ୍ସ ବାଇ ଦି କର୍ପୋରେଟ୍ ଅଥରିଟିଜ୍ ଶାଲ୍ ମେକ୍ ସଷ୍ଟେନେବୁଲ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆଜ୍ ୱେଲ୍ ଆଜ୍ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ମୋର୍ ଫ୍ରୁଟ୍ଫୁଲ୍ ह्यूमन राइट्स कॉन्फ्रेंस इसलिए हम रखे हैं कि ह्यूमन राइट्स ऐसे एक चीज़ है जो आदित्य बिरला ग्रुप हिंडाल्को इसमें विश्वास करते हैं और काफ़ी पहले से काफ़ी कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं. इम्प्रूवमेंट तो हमेशा हो सकता है, लेकिन जहां तक लेबर का राइट्स है, ट्रेड यूनियन का राइट्स है, लोगों को सुरक्षित रखना है, इसके लिए तो हम लोग बहुत साल से कमिटेड है. मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैं पिछले चार दिन यहाँ पे ये इसी आदित्य प्लांट में था और मैं सेफ्टी ऑडिट लीड कर रहा था एक, कि हमारा जो वर्कर्स है उनका सुरक्षा वगैरह कैसे है ये देखने के लिए मैं खास बॉम्बे से आके चार दिन पूरा बिताया, कोने कोने फैक्ट्री में जाके लोगों से बात करके ये पता किया कि लोगों को वेजेस जो मिलना चाहिए सही मिल रहा है कि नहीं, उनको सुरक्षित लगता है कि नहीं, कहीं कुछ हैज़र्ड है कि नहीं जिसको हटाना चाहिए. तो ये एक एरिया है जिसके जिसमें हम काफ़ी पहले से ही ध्यान दे रहे हैं. और इस हमारा फैक्ट्री के अंदर के अलावा हमारा जो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्राम्स है, CSR प्रोग्राम्स, उसके द्वारा हम हमारे आसपास के कम्युनिटी को भी कवर करते हैं. वहाँ पे गांव-गांव में जाके लोगों को एजुकेट करते हैं ह्यूमन राइट्स के बारे में, या हम कुछ प्रोग्राम्स रखते हैं जिसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बन सकता है महिलाओं के, या और कोई डिसएडवांटेज ग्रुप्स के, जिससे उनका स्किल बढ़े, उनका एम्प्लॉयमेंट मिलने का चांस मिले, ऐसे कुछ स्किल्स उनको दिया जाता है. ये इधर यहाँ पे संबलपुर में हमारा एक स्किल सेंटर है और वहाँ पे मैं अभी चार पाँच दिन पहले गया था और वहाँ पे अलग अलग कोर्सेज चल रहा है, जो 3 महीना 4 महीना का कोर्सेज है, जो 12th पास अनएम्प्लॉयड लोग है वो कोर्स करने के बाद उनको अलग अलग स्किल्स सीखने को मिलता है, जैसे ड्रेसिंग का, या कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे टीवी रिपेयर हो गया, जिससे इनको नौकरी मिल सके. तो ऑलरेडी ये सेंटर इनॉग्रेट होके अभी 3-4 महीना हो गया, ऑलरेडी फर्स्ट बैच में जो लोग पढ़े थे उनका 90% लोगों का प्लेसमेंट हो गया और वो सारे लोकल लोग हैं और उनमें लड़कियां भी बहुत हैं. तो इस टाइप के प्रोग्राम हम पहले भी करे हैं और आगे भी करने चाहते हैं, उसीलिए आज ये ह्यूमन राइट्स कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया गया है, ताकि इसके बारे में जानकारी लोगों में और बढ़े और हम लोग सब मिलके इस दिशा में और काम कर सकें और बेहतर काम कर सकें. जदि आपणको आम वीडियोटी भल लगिला तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं.